पुलकित सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो हेलो सई, माधुरी बात कर रही हूँ। हाँ माधुरी ताई, पुलकित भाव से तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं, मेरी तो उनसे बात नहीं हुई। मैं तो सुबह से उनका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। क्यों, सब ठीक तो है? पता नहीं सही, भाऊ सुबह सुबह एक कोचिंग सेंटर में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने जाते हैं। आज बहुत लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी में वो अपना टिफिन घर पे ही भूल गए। तो मैं उन्हें खाना देने उनके कोचिंग सेंटर गई थी, पर वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि वो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं। अभी तो इतना लेट हो गया है। देखो ना भाऊ, अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। वो मेरा भी कॉल सुबह से नहीं उठा रहे हैं और कॉलेज की भी छुट्टियां हैं। सर कहाँ गए होंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आप घबराइए मत ताई, पुलकित सर ठीक ही होंगे। मैं उन्हें दोबारा कॉल करती हूँ और मेरी बात होती है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके सही। पुलकित सर कहाँ इतने बिजी हो सकते हैं कि फोन ही नहीं उठा रहे? सही, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे सही, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है ना, तो फिर परेशानी किस बात की, क्यों परेशान हो? माधुरी ताई का फोन आया था, वो कह रही थी कि पुलकित सर फोन नहीं उठा रहे हैं, ना उनका ना मेरा, और सुबह वो कोचिंग क्लास गए थे वहाँ पे भी नहीं पहुंचे हैं। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? अरे क्या सही, क्यों ऐसा सोच रही हो? पुलकित डॉक्टर है ना, हाँ? तुम्हारे पुलकित सर किसी पेशेंट को देखने गए होंगे या किसी काम में फंस गए होंगे। इंतजार करो, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? दवाई देनी है, आती हूँ, चलो। पुलकित सर को आज ही किसी काम में फंसना था जब काकू उनसे मिलना चाहती है। अरे बाउंस ऑफ। अरे बस रे, काहे को हाँ को ये जल बिन मछली की तरह तड़प रहे? तो पहली बार मिले हैं, इंट्रोडक्शन तो बराबर से होना चाहिए ना। क्या क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में वो, माई सेल्फ दादू हदया? ये हाथ भी चलाने से कुछ नहीं होएगा, रस्सी से नहीं बांधा है तेरे को, डायरेक्ट हथकड़ी से बांधा है। क्या बजट मजबूत है अपना, करेक्ट बोला ना? वो भाऊ साहब बराबर बोल ले। देख क्या है भाई, फिल्म विलिम हम भी देखते थोड़ा बहुत है ना, अभी तेरे को रस्सी से बांध देता तो ये घने जंगल में तेरे को एक नुकीला पत्थर मिलता, वो पत्थर से तू अपने रस्सी काट लेता फिर भाग जाता, और मैं फिर अपने आदमियों से पूछता है वो डॉक्टर कहाँ भाग गया रे, जाओ पकड़ो उसको। भाई को करने का ये सब है? करेक्ट बोला ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला भाऊ। कौन हो तुम, क्यों ऐसे पकड़ के रखा है मुझे, क्यों बांधा है मुझे ऐसे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, बोलो जवाब दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे तू क्या बिगाड़ेगा मेरा, हैं? ये बिगाड़ेगा कुछ,
अरे तेरे से तो फायदा हुआ है मेरे को, 5 लाख रुपया दिया है तेरे को उठाने का, और तू भारे भी नहीं है। करेक्ट बोला ना? बराबर बोला दादू। 5 लाख? मुझे किडनैप करने के लिए कोई 5 लाख क्यों देगा, और आखिर मुझे कोई किडनैप करवाएगा क्यों? बोलो जवाब दो। तेरे सवाल के जवाब का फोन आया। कौन कौन? नहीं समझा। अरे तुझे किडनैप कराने वाले क्लाइंट का फोन आया है। कौन है वो? मेरी उससे बात करवाओ, मेरी उससे बात करवाओ। ए पागल है क्या? एक जादूगर अपना सीक्रेट और एक किडनैपर अपने क्लाइंट का नाम कभी नहीं बताता। करेक्ट बोला ना? एकदम सही भाव। पर तू ये फालतू के सवाल मेरे से काय को कर रहे रे? चुप चुप आ जा। क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में वो, एक्सक्यूज मी? काम हो गया दादू? तुमको सांस लेना आता है क्या? ये कैसा सवाल है? हाँ ये उतना ही बकवास सवाल है जितना बकवास सवाल तुमने मुझसे पूछा। पूरा नागपुर को मालूम है दादू कोई काम हाथ में लेता है तो उसको समय से पहले पूरा करके देता है। तुम्हारा पोपट पंछी मेरे पिंजड़े में फड़फड़ा रहा है। इधर तुमको तुम्हारे 5 लाख मिल जाएंगे, 2.5 लाख काम होने के पहले और 2.5 लाख काम होने के बाद, जब उस डॉक्टर से हम लोग का काम निकल जाएगा। मैंने पैसे का बात किया? नहीं किया क्या पैसे का बात? देख क्या है ना, क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में? बिजनेसमैन। हाँ बिजनेसमैन है मैं। हाँ अपना धंधा थोड़ा गंदा है पर धंधा तो है ना। हमारे धंधे में पहले उधार फिर नगद। हाँ बाद में कोई नगद देने में आनाकानी करे तो वो निकलवाना हमको आता है, वो भी सूद समेत। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे क्या करना है तुम्हें ये सुनो। अब बोलो। बड़ाया देवयानी से शादी करने वाला, उस जंगली सही को लगता है कि वहीनी पुलकित को घर बुलाएंगी, वो आएगा और वहीनी चुपचाप देवयानी की शादी उस नौकर के बेटे से करवा देंगी। विराट यहां नहीं है ये एक अच्छी बात है। जब तक विराट अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आएगा तब तक देवयानी के सर से ये पुलकित का भूत पूरी तरह से उतर गया होगा। सही भाव के बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, पुलकित सर का कोई कॉल बैक ही नहीं आया। आपको कोई उनका वॉइस नोट आया हो, कुछ मैसेज, कुछ तो आया होगा? अभी तक तो कुछ नहीं। पता है ताई, आज ना काकू मतलब वो देवी ताई की आई है ना, जो पुलकित सर और देवी ताई की शादी के बहुत खिलाफ थी शुरू से, आज काकू पुलकित सर से खुद मिलना चाहती है और अपनी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट दिन पुलकित सर पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। आपकी उनसे कोई भी बात हो ना, आप उनको जरूर बताइएगा ये सारी बातें और उनको बोलिएगा मुझे फौरन कॉल बैक करें। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि इससे पहले काकू अपना फैसला बदले बल्कि सर वापस आ जाए। अब सच्ची देवयानी की आई भाऊ के मिलने के लिए तैयार हो गई? अब सही तुम्हें पता है भाऊ ने मुझे हमेशा कहते हैं कि अगर इस शादी के कोई सबसे ज्यादा खिलाफ है तो वो है देवयानी की आई। पुलकित सर का कहीं पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित सर को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? मेरे पास वक्त बहुत कम है।